योगी शासन में शिक्षा के मंदिरों पर नहीं दिया जा रहा है कोई ध्यान। गोवर्धन तहसील के अंतर्गत नगला तकिया में प्राथमिक विद्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वैसे तो शिक्षा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी विद्यालय अपनी किस्मत में आंसू बहा रहे हैं। विद्यालय में पूरी तरह ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर रखा है, मजबूरन बच्चों को इसी विद्यालय में पढ़ना पड़ता है, जबकि इस विद्यालय में ना तो कूड़ेदान है, विद्यालय की बाउंड्री भी नहीं है। आखिर शिक्षा विभाग इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा? क्या ऐसे विद्यालय में हमारे देश का भविष्य पड़ रहा है? सर, क्या नाम है आपका? विपिन कुमार शर्मा। जो विद्यालय क्या नाम है? विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय नगला डहर। जो इसमें देखा गया है कि अभी डस्टबिन टूटा हुआ है, बाउंड्री टूटी हुई है, इसके बारे में आप क्या क्या कहना है? जी सर, मैं आपके माध्यम से विभाग को और ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे डस्टबिन की हालत करीब 6 महीने 7 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है। कोई यहाँ पे कूड़ा करकट इकट्ठा करने नहीं आता है। बाउंड्री वाल आपने जो देखी है वो टूटी हुई है। जैसे हमने देखा है कि विद्यालय के पीछे उपले थपे हुए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, कई बार इन लोगों को मैं बता चुका हूँ और धमकी भी दे चुका हूँ कि भैया इनको हटा लो, ये तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन बार बार सुनने के बाद भी अनसुना कर दिया गया है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि इसका गेट भी टूटा हुआ है। यहाँ पे बारात आई थी एक बार, तो बारात का कोई बोनट वोनट इसमें लग गया था, तो उसकी वजह से टूट गया था। उसके बाद हमने इसकी मरम्मत करा दी थी, उसके बाद फिर दोबारा बनवाने के बाद भी फिर एक बोनट लग गया था, एक गाड़ी आई थी उसके बाद फिर उसमें बोनट लग गया था, उसके बाद दोबारा टूट गई। या सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी नहीं आता? सफाई कर्मचारी पिछली 2 साल से नहीं आया यहाँ पे। आपके जो विद्यालय में इस टाइम बच्चे कितने हैं? मेरे यहाँ 64 बच्चे नामांकित हैं जी। अब प्रेजेंट में कितने बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं? प्रेजेंट में आज करीब 42 के करीब बच्चे हैं, 40 से लेके 42 तक बच्चे। और कोई समस्या है आप विद्यालय से संबंधित? विद्यालय समस्या एक सबसे बड़ी एक तो इरेगुलरिटी है बच्चों की, एक तो अभिभावकों के ऊपर अगर थोड़ी सी अगर अभिभावकों को जिम्मेदारी दी जाए जिससे बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें, तो हमें लगता है कि हम और अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे अपने बच्चों के लिए। सर, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मनोज कुमार है। जी, जो अभी विद्यालय की जो स्थिति हुई हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर जी, ये स्थिति तो काफ़ी दिनों से है, इसके बारे में बार बार विभाग को भी अवगत कराया जा चुका है और जो भी रिपोर्ट मांगी जाती है वो दे भी देते हैं यहाँ से। और उसकी दिक्कत काफ़ी है कि एक तो बाउंड्री वाल ना होना मेन कारण है यहाँ का जी। उस वजह से क्या होता है कि तो जो भी हम पेड़ पौधे लगाते हैं उनको भी, जैसे भैंसे हैं इधर जो भी बनते हैं वो सारे ख़राब कर देते हैं, इनको तोड़ देते हैं, खा जाते हैं। और जो लोगों द्वारा हैरो हैं, कंटिवेटर हैं, गाँववासी द्वारा, ये सब यहाँ पटके जाते हैं, इनको मना करने के बाद ये कोई नहीं मानता है। भूरे हैं जिसकी वजह से काफ़ी गंदी फैलती है। तुम्हारे जैसे लेटरिंग है, लेटरिंग की ना ही कभी सफाई होती है और फिर किसी मतलब के है भी नहीं, वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, दोस्त हो चुके हैं। और इसके बारे में विभाग को कई बार बताया जा चुका है मगर अभी तक तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाई है जिससे कुछ हो सके। बिजली की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? और सर, बिजली की तो इतनी बड़ी परेशानी है कि बस ये समझ लो गर्मियों में बच्चे पता नहीं कैसे कैसे रहते ही हैं, यहाँ पेड़ों के नीचे बैठाते हैं, सारे खिड़की जंगले खोल करके, बड़ी परेशानी होती है। उसके लिए भी कई बार विभाग को सूचित किया जा चुका है मगर अभी तक कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही इस वजह से। और हैडपम्प की क्या व्यवस्था है यहाँ पर पानी के पीने की? सर, हैडपम्प की व्यवस्था तो है मगर पानी इसमें क्या है कि पोखर के नज़दीक होने के कारण एक तो पानी पीला आता है और दूसरा ये है कि पानी मीठा भी नहीं है। कुछ बच्चे तो ऐसे कि अपने घरों से बोतलें लेके आते हैं, कुछ को ये जब नहीं होता तो उस वजह से पीना पड़ता है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम इंचार्ज प्रधानाध्यापक संतोष शर्मा। विद्यालय क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय नगला तकिया। जो ये स्थिति विद्यालय की देखने को मिल रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? शासन से जब भी नियत समय पर सूचनाएं मांगी जाती हैं तो हम उन्हें अपनी सूचनाएं प्रदान कराते हैं। ये बिल्डिंग जो खंडर पड़ी हुई है, इसके बारे में आपने किसी को अधिकारी को अवगत कराया? जब जब शासन से डाटा मांगा जाता है हम अपना डाटा कंप्लीट भेजते हैं। ये विद्यालय की मूल बिल्डिंग है, अतिरिक्त कक्षों में शिक्षण अध्यापन कार्य चल रहा है। इसको कितने समय हो गया? मुझे यहाँ आए वो 3 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। मैंने जब आया था तब इसी स्थिति में देखा है। और यहाँ पर देखा गया है कि शौचालय की स्थिति भी बेकार पड़ी हुई है। जी, शौचालय यहाँ बिल्कुल ध्वस्त है। सफाई कर्मचारी यहाँ पर आता नहीं है? सफाई कर्मचारी कभी नहीं आया। और बच्चों के लिए पीने की क्या व्यवस्था है पानी की? हैडपम्प है,
जिससे सभी बच्चे पानी पीते हैं। और ये तो सही, पर पानी पीने लायक नहीं है, खारा पानी। पानी कैसा है? पानी खारा पानी है। तो बच्चे पानी पीने के लिए कहाँ से लाते हैं? जाते हैं घर से लाते हैं। कुछ बच्चे अपनी बोतलें लेके आते हैं, बाकी के बच्चे इस पानी को पीते हैं। और यहाँ पर बाउंड्री वगैरह नहीं है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बाउंड्री की सूचना भी शासन को दे दी गई है, जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय और हमारे अधिकारी हैं सभी को सूचनाएं दी जा चुकी है। बाउंड्री की समय समय पर सूचनाएं दी जाती हैं उनसे, और आवारा पशु हैं विद्यालय में विचरण करते हैं, और ग्रामवासियों का भी अतिक्रमण यहाँ पे हो रहा है, और इसकी समय समय पर सूचनाएं दी जाती हैं।